वो सेठ का लड़का हमेशा ये मॉल में 4-5 लड़कियों के साथ घिरा रहता है गुरु, हमें तो किसी से भी नहीं मिला। गीता, ये बंधन धरती के लिए और ये जान तेरे लिए, मैं मरने जा रहा हूँ। अरे मैंने गीता को फोन किया है, वो आती नहीं होगी। वो नहीं आएगी, मैं मर रहा हूँ। गीता के बिना मैं नहीं जी सकता, नहीं रह सकता, बचाओ तुम लोग मुझे। संजय वेट्स गीता पार्ट 2। इस हाइट से गिरने के बाद इसका पैर भी नहीं टूटेगा और ये कूद के मरने का ड्रामा कर रहा है। संजू वहीं पर रुको, वहीं पर रुको, अगर मेरे पास आती तो मैं कूद के जान दे दूंगा। तेरे मरने के बाद तेरी बॉडी यही रोड पे पड़ी रहेगी और तेरा थोबड़ा है ना उस पे गाय कूदेगी। अब जाके खुद तू नरक में मरेगा। अब ये नहीं सब चाहता ना तो चल नीचे उतर। वो लड़का नीचे गिर के तो नहीं मरेगा, वो मोटी के डर से जरूर उतर जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। क्यों भाई? बचने के लिए। अच्छा, गोदे गीता आ गई क्या? गीता अगर तुम नहीं मानी मैं मर जाऊंगा। मत करो, मरो मत। Excuse मैं तुमसे लव करती हूँ। सच में? हाँ, प्लीज उतर जाओ। मेरी जान गीता। hey, वहाँ खड़े रहे। बता। देखो मुझ में एक वीकनेस है। hey, मुझे मंजूर है। क्या वीकनेस है बताओ मुझे गीता। देखो तुम सुनो, डेली सेम सेम खाना मुझे पसंद नहीं। एक दिन इडली, कभी पूरी, कभी कबार पोंगल, ऐसी वैरायटी चाहिए मुझे। hey, no problem. ये चेंज सिर्फ खाने में नहीं और फिर लव में भी। क्या लव में भी? तुम सुनो, तुम मुझे पसंद हो तो मैं आई लव यू बोला, कल उसे पसंद करूंगी उसे भी आई लव यू बोलूंगी, नेक्स्ट इसे पसंद करूंगी तो इसे भी आई लव यू बोलूंगी, ये पसंद आया तो इसे भी आई लव यू बोलूंगी। मुझे भी? हाँ सर। ए, मैं गैप नहीं दूंगा, जल्दी से शादी कर लूंगा। हाँ। वो नहीं संजू, पूरी लाइफ में एक इंसान के साथ नहीं रह सकती ना, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। अरे तेरी तो, तेरे पीछे घूम घूम के मेरे जूते घिस गए, तेरे पास पटके चक्कर में मैं वाइफ ढूंढना छोड़ दिया, तेरे लिए सुसाइड करने जा रहा था। मेरे जूते देखो, मुझे इस जूते से खुद को मारना चाहिए। तू जी फॉर गीता नहीं है, सी फॉर चीटर है, टी फॉर टेरर है, टी फॉर डॉग। ए भाई तू कौन है? तुझे तो अकेले में देखता हूँ। कबाब में हड्डी कहीं का, मेरा सारा काम खराब कर दिया, देख लूंगा तुझे मैं। थैंक यू। इट्स ओके। गुरु गुरु, अरे वो लड़की कहाँ गई? उसने मुझे भी आई लव यू बोला यार। तुम गलत समझ रहे हो गुरु, उसने तुम्हें नहीं बोला, बल्कि उसने उस लड़के को उदाहरण दिया, तुमने भी सुना ना, यहाँ खड़े सभी लोगों ने सुना उसने क्या कहा। हाँ मैंने सुना, पर वो गई कहाँ? तुमने अच्छा सबक सीखा है। सुनिए एक मिनट, तुमसे कुछ कहना है। तुम लोग प्यार को समझते क्या हो? कपड़ों की तरह बदलने वाली कोई चीज है क्या प्यार? या फिर कोई मोबाइल सिम कार्ड है, जब दिल किया पुराना वाला फेंक दिया और जाकर नया खरीद लिया? तुमने लड़कों को एटीएम मशीन समझ के रखा है क्या? जब दिल किया एटीएम में स्वैप किया और पैसा निकाल लिया। Hey, I love you. फिर से क्या है? तुम्हें तो सिर्फ मुंह चलाना आता है, तुम्हें क्या पता है इस मैटर के बारे में? उसके पास देखभाल करने के लिए माता पिता है, कॉलेज जाने वाली एक बहन है जिसकी शादी करानी है, ये सारी जिम्मेदारियां हैं उस पर। लव लव करके खुद की भी लाइफ खराब करेगा और उनकी भी। मैंने खुद के कैरेक्टर को गिरा के उसकी लाइफ को बचाया है, समझे? बिना जाने कुछ भी बोले जा रहे हो तो। दीदी आपके पैर को एक नमस्कार दी। माफ कीजिए। धन्यवाद। आपके अच्छे इरादों को जाने बिना हमने आपको गलत समझा, मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी आपके जैसी लड़की चाहिए। जी फॉर गौरी माँ, के फॉर काली माँ, डी फॉर देवी बोलो ना। हाँ, फिर ठीक है, प्लीज आप जाइए। मैं भी इनके जैसी एक लड़की से शादी करूंगा, देखना। मैं भी लाइन में हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्स चेक कर लूंगी, आप जाइए बॉस से मिल लीजिए। अच्छा ये फाइल लेकर के जाना। एसएस के एक्सपोर्टर्स के मालिक सोमशेखर ने मुझे यहाँ पर भेजा है। किसे मारना है बोलो? एसपी सूर्य प्रकाश को। मैटर क्या है? हमारे साहब के ऊपर उसने एक छोटा सा केस किया है, उस बात को लेकर एसपी हमारे साहब को बहुत परेशान कर रहा है। कौन सा केस है? हमारे कारखाने में 3 लड़कियां काम करती थी, वो 1 महीने से गायब हैं। गायब नहीं, तेरे मालिक ने उन तीनों का रेप किया और मर्डर कर दिया। एसपी की इंक्वायरी के दौरान अगर मैटर लीक हो गया तो तेरे मालिक को जेल जाना पड़ सकता है। अब तुम मेरे पास आए हो, चिंता मत करो, मैं इसे देख लूंगा। तुम लोग भैरव फाइनेंस कंपनी में आए हो, अपनी संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स को हमारे पास गिरवी रख देना। तुम लोग सारे रिकॉर्ड्स अच्छे से बना के रखना, नए सिम कार्ड खरीद लेना, और तुमको नए नए नंबरों से कॉल आएंगे, उन सब को रिसीव कर लेना। किसी भी कारण से उस नंबर से किसी को भी फोन मत करना। ओके सर।
ये अमाउंट मैं किसको दूं? फोन पे बताऊंगा, तुम लोग जाओ। सूर्य। हाँ भाई। एसपी सूर्य प्रकाश का पूरा डिटेल चाहिए हमें। ओके भाई। गोपी। बोलो भाई। एसपी सूर्य प्रकाश। ठीक है भाई। मनो। हाँ। अर्जेंट में एक सिम कार्ड खरीद और उसको फोन। हाँ ठीक है भाई। मंदिर आने के बाद ना मन को बहुत सुकून लगता है। ऐसा क्यों? हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तेरे जेब में एक पैसा नहीं है। स्वाति लिसन, तुम शॉपिंग करने जाओ, 5 मिनट में आ जाऊंगी मैं। ओके ना? बाय। ओके बाय। घूमने के लिए 4-4 लड़के चाहिए तुझे, उन्हें बैंकॉक ले जाएगा। वहाँ जाने के लिए तूने सेटिंग भी कर रखी। मुंह तोड़ूंगा तेरा। क्या करूं भैया, मुझे सैंडविच बहुत पसंद है। यहाँ हम सभी को टोमेटो केचप बहुत पसंद है। ए पीसो रे, ए बस करो यार, ए तू जा यहाँ से। ए हट, पैसे टाइम पर देना। राजा तुम्हारी प्रेमिका आ रही है। हाय। आइए ना, प्लीज बैठिए। थैंक यू। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई। दीवानी मैं दीवानी हो। क्या करूं गुरु, इनका चेहरा देखकर मुझे यही गाना याद आ गया। कोई बात नहीं भैया, हर कोई मुझे देख के यही गाना गाता है। बाय द वे, वो सेठ के लड़के को क्यों पीट रहे थे? या वो मशीन ग्राहक है। कैसी मशीन? मशीन, कपड़े डालो, धो और वो। वो क्या है कि हमने सेठ को ब्याज पर पैसे दिए थे, वो पैसे वापस कब करेगा उसी बारे में पूछताछ कर रहे थे। आपका ब्याज का बिजनेस? हाँ, हमारा बिजनेस, बैंक बिजनेस। आपके बैंक का कितना इंटरेस्ट है? फायर इंटरेस्ट। फायर इंटरेस्ट? हम उनसे तब तक इंटरेस्ट लेते हैं जब तक वो मर ना जाए। हम उन्हें ऐसे शौक देते हैं कि ब्याज भरते भरते उनकी जिंदगी खत्म हो जाए और असल जो कहते हो ही रहे, फिर भी हम उन्हें नहीं छोड़ते। अब समझ में आया क्या? ये हमारी गेस्ट है ना, फ्रिज से इनके लिए कुछ ठंडा लेकर आओ, जाओ जल्दी जाओ। नहीं बोल रही, छोड़ो गुरु। अरे जाना यार। एक्चुअली क्या है ना, वो मैं मंदिर आई थी। दर्शन हो गए? कोल्ड ड्रिंक्स। ये क्या है? फर्स्ट टाइम आई है ना, अतिथि देवो भवा, ये लीजिए। अबे तू ये क्या लेकर आ गया? तुम ही तो बोले थे फ्रिज में से ठंडा लेके आना, फ्रिज में यही सबसे चिल्ड था। क्या हुआ, ये इन्हें पसंद नहीं क्या? छी, थू, राजा। सॉरी सॉरी सॉरी, आपका ब्रांड यहाँ नहीं है, लेकिन चखने में मटन, चिकन और अंडा सब कुछ है अपने पास। छी, मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग ही पी लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हेलो हेलो मैडम। वो तो नहीं पी रहे, चल अपन ही पी लेते हैं। अंदर लेके जाएगा, चलो अभी पी लेते हैं। तेरी तो, लड़की के सामने तूने मुझे बेवड़ा साबित कर दिया। फ्रिज में जितनी बोतलें सब अभी निकाल कर बाहर फेंक। ठीक है छोड़ो गुरु, अभी से हम फ्रिज में केवल चाय और कॉफी रखा करेंगे। अबे चल,